तो दोस्तों आज की वीडियो में आप लोग को बताऊंगा हाउ टू सॉल्व कीबोर्ड प्रॉब्लम इन लैपटॉप। यानी कि दोस्तों हम लोग जो लैपटॉप या कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं और उसके अंदर जो कीबोर्ड रिलेटेड जो बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, जैसे कि कीबोर्ड कभी काम नहीं करते हैं या कभी अचानक से बंद हो जाते हैं या सही से काम नहीं करते हैं, कुछ बटन काम कर रहे हैं कुछ बटन काम नहीं कर रहे हैं, उसको हम लोग कैसे आसानी से एक चुटकी में घर बैठे सॉल्व कर सकते हैं उसी के बारे में आज की वीडियो पर लाइव करके दिखाऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आप लोग को एक ही हाथ जोड़ के विनती करूंगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप मेरे चैनल पर नए दोस्तों प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी बेल आइकन को प्रेस कर देना ऐसे हेल्पफुल एंड टेक्निकल रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तो दोस्तों मैं हूं जयदेव और आप देखो टेक्निकल जयदेव यूट्यूब चैनल। तो चलिए मेरे लैपटॉप स्क्रीन पर। तो दोस्तों मैं मेरे लैपटॉप स्क्रीन पर आ चुका हूं और सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपकी लैपटॉप या कंप्यूटर का जो माई कंप्यूटर है दोस्तों आपके राइट पर क्लिक करना होगा और मैनेज पर जाना होगा, ठीक है। और यानी कि मैनेज पर जाने के बाद उसको वहाँ पर आपके यहाँ पे डिवाइस जो मैनेजर है आपको वहाँ पर एंट्री होना होगा और चाहो तो आप यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे सर्च करके भी आ सकते हो, सेम ही बात है। और यहाँ पे आने के बाद आपके यहाँ पे डिवाइस मैनेजर पर क्लिक करना होगा। क्यों मैं बता रहा हूँ, वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना आपको सारा सब कुछ मालूम हो जाएगा। मैं पहले थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ और यहाँ पर आने के बाद जैसे कि मैं आप लोगों को थोड़ा दिखाया तो यहाँ पर आने के बाद आप यहाँ पे देख रहे हो आपके पे सारे बहुत सारे यहाँ पे जो आपकी जो ड्राइवर्स है वो लैपटॉप की इनबिल्ट जो ड्राइवर्स है यहाँ पे आपको सारे सब कुछ यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि देख रहे हो आपके यहाँ पे ब्लूटूथ ड्राइवर्स है, कंप्यूटर ड्राइवर्स है, डिस्क ड्राइवर्स है, डिस्प्ले ड्राइवर्स है, यानी कि ग्राफिक्स कार्ड वगैरह जो भी है ड्राइवर्स है, सेम उसी की तरह आप यहाँ पे जो देख रहे हो कीबोर्ड बोल के एक ड्राइवर्स यहाँ पे पहले से भी है, ठीक है। उसके अंदर आपको उसके अंदर जाना होगा और आपके यहाँ पे क्लिक करने का देखा तो मेरे यहाँ पे जो कीबोर्ड से रिलेटेड दो ड्राइवर्स यहाँ पे पहले से इंस्टॉल्ड है और आपको यहाँ पे देखना होगा आपके यहाँ पे कीबोर्ड रिलेटेड ड्राइवर यहाँ पे इंस्टॉल है कि नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट कोई बात नहीं, अगर आपके पे नहीं इंस्टॉल है तो क्या होगा, डायरेक्ट यहाँ पे येलो साइन आ जाएगा। अब बात करते हैं ये आप लोग को क्यों बता रहा हूँ। देखो दोस्तों आप पहले तो लैपटॉप खरीद के लेके आ चुके हो और लेके आने के बाद आप पहली बार लैपटॉप को फॉरवर्ड कर चुके हो या बूट कर चुके हो, ठीक है। और बूट करने के बाद क्या होता है, आपके यहाँ पे बहुत सारे जो आप यहाँ पे चाहे आपके दोस्त से हो या आपकी कुछ दुकान से आपकी जाना पहचान हो तो उसे खरीद के लेके आ चुके हो या मांग के वो इस लेके आने के बाद आप थोड़ा बहुत जानते हो और आप क्या करते हो लैपटॉप को बूट कर चुके हो। ऐसे बहुत सारे जो ओएस है चाहे विंडोज 7 हो 10 हो 8 हो वो क्या होता है ओरिजिनल नहीं होता है, पायरेटेड डिस्क होता है और ज़्यादातर 90 से लेकर 95% जो डिस्क बहुत सारे लोग यूज करते हो पायरेट ही यूज करते हैं। और उसकी वजह से क्या होता है आपके यहाँ पे जो बहुत सारे लैपटॉप के अंदर मदरबोर्ड सही नहीं होता है, सही से काम नहीं करता है और यहाँ पे कुछ ड्राइवर मिसिंग हो जाता है और उसी के हिसाब से आपकी जो ड्राइवर है हो सकता है यहाँ पे मिस हो सकता है। तो आप यहाँ पे देख लेना आपके यहाँ पे अगर येलो साइन आता है तो आपके यहाँ पे ड्राइवर मिसिंग हो चुका है, आप सोच लेना आपके यहाँ पे ड्राइवर को इंस्टॉल या ड्राइवर को एक एक्स्ट्रा जो ड्राइवर को अपडेट या इंस्टॉल डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। और आप सोचते हो कि कैसे ड्राइवर को कहाँ से हम लोग डाउनलोड करें या कैसे इंस्टॉल करें, डायरेक्ट की कोई बात नहीं, ऊपर जो आई बटन पर एक वीडियो मिल जाएगा जहाँ पर मैं क्लियरली बात कर चुका हूँ कैसे आप अपने लैपटॉप जिस भी कंपनी का हो या कंप्यूटर जो भी है सर्विस टैग नंबर दे के आपकी प्रॉपर करेक्ट लैपटॉप की जो ड्राइवर से सॉफ्टवेयर कैसे डाउनलोड या इंस्टॉल कर सकते हैं उसके बारे में डिटेल्स में बात कर चुका हूँ, ऊपर आई बटन पर जाके आप मास्ट देख लेना। और दोस्तों यहाँ पे दूसरी जो स्टेप करना होगा वो कुछ भी नहीं है, आपके यहाँ पे लैपटॉप के अंदर एक शॉर्टकट की को यहाँ पे इनेबल करना होगा। हो सकता है यानी कि दोस्तों अगर मैं बात करूँ एक जनरल तरीके से हम लोग चाहे तो आपके लैपटॉप या कंप्यूटर की जो कीबोर्ड जो है ऑप्शन उसको ऑफ कर सकते हैं या ऑन कर सकते हैं, वो कौन सा शॉर्टकट की है वो तो बताऊँगा लेकिन एक छोटा सा बता देता हूँ। हो सकता है आपके लैपटॉप के अंदर घर पर कोई बच्चे हो या आपके मम्मी पापा जो भी है लैपटॉप बाई कैजुअल यूज करते हो तो क्या करेगा, बाय मिस्टेक से कोई शिफ्ट बटन जो है कंटिन्यू प्रेस करके रखेगा तो क्या होगा, कोई बटन क्लिक करने से क्या होता है आपकी जो लैपटॉप की कीबोर्ड है हो सकता है बाय डिफॉल्ट से ऑफ हो चुका है और आपको मालूम ही नहीं हो रहा है और बाय यहाँ पे काम भी नहीं करेगा, ठीक है। आप लोगों से लाइव करके दिखाऊंगा तो करने के लिए कुछ भी नहीं करना, मैं आप लोगों से ऑफ करके और ऑन करके दिखाऊंगा, इससे आप लोगों को पता लग जाएगा क्या मामला है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना, शिफ्ट बटन को क्या करना पड़ेगा, आपके पे शिफ्ट बटन को 8 सेकंड प्रेस करके रखना होगा, ठीक है। कुछ भी नहीं करना है, बस प्रेस करके रखना होगा, देखोगे आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा टिक टिक करके, हो सकता है लैपटॉप के साउंड होगा जैसे कि मेरे यहाँ पे साउंड हो रहा है आपके सामने यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, बस आपके यहाँ पे यस करना होगा। एक कारण से क्या होता है आपकी जो लैपटॉप की जो कीबोर्ड है वो क्या है लॉक हो चुका है। कैसे लॉक हुआ कि मैं आप लोगों को थोड़ा दिखाता हूँ, मैं आप लोगों को थोड़ा यहाँ पे नोट पैड ओपन करके एक थोड़ा सा एग्जाम्पल दे देता हूँ कि मेरे यहाँ पे जो कीबोर्ड है लॉक हो चुका है। जैसे कि देख रहा मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ और कोई टिक टिक आवाज़ हो रहा है, देखो जैसे कि आप लोगों ने देखा यहाँ पे टिक टिक आवाज़ हो रहा है, ठीक है। तो क्या होगा आपके पे, हो सकता है आपके पे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ऑफ हो चुका होगा। तो आपको क्या करना होगा, फिर से आपको कुछ भी नहीं करना है, फिर से आपको शिफ्ट बटन को प्रेस करके रखना होगा 8 सेकंड। जैसे कि मैं आप लोगों से कर रहा हूँ टिक टिक आवाज़ हो रहा है, देखो सुनो,
जैसे कि इस तरह के लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर आपके पास आ जाएगा और आने के बाद देखिएगा ऑटोमेटिक यहाँ पे ऑटोमेटिक एक टाक टू ही बोल का आज हो चुका है, यानी कि आपकी जो कीबोर्ड है यहाँ पे चालू हो चुका है। मैं आप लोगों को फिर से दिखाता हूँ, मेरे यहाँ पे जो कीबोर्ड है चालू हो चुका है, जैसे कि देख रहे हो मेरे यहाँ पे कीबोर्ड है चालू हो चुका है। तो ये करके रखना, हो सकता है बाई डिफॉल्ट या बाई मिस्टेक से आपकी जो कीबोर्ड है वो ऑफ हो चुका होगा, तो ये आप ऑन करके रखना, हो सकता है आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। और एक बार दोस्तों, अगर आपके लैपटॉप के अंदर जो साउंड प्रॉब्लम आ रहा है या लैपटॉप के अंदर साउंड अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो आप सोच रहे कि कैसे हम लोग लैपटॉप के साउंड प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, तो डाइनिंग के बाद ऊपर आई बटन पर भी वीडियो मिल जाएगा, जहाँ पर क्लियरली एक जेनुइन तरीके से हेल्पफुल वीडियो भी तरीके से बताया हूँ आपकी लैपटॉप की जो साउंड प्रॉब्लम है कैसे घर बैठे सॉल्व कर सकते हो, और उससे रिलेटेड दो चार टिप्स बताया हूँ, जिससे कि आपकी 99% आपकी जो लैपटॉप की जो साउंड प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगा। ऊपर आई बटन पर जाके देख लेना। और दोस्तों, यहाँ पर तीसरी जो टिप्स है आपको, मैं तो टिप्स अगर मैं बात करूँ कोई सलाह तो नहीं है, कि आपको क्या करना होगा आपके लैपटॉप को, अगर ये दो टिप्स अगर आपने अप्लाई कर चुका फिर भी नहीं हो रहा है, तो तीसरी टिप आपको क्या करना होगा, आपके लैपटॉप के यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फॉर्मेट कर देना। जी हाँ दोस्तों, एक फाइनल सॉल्यूशन है कि आप लैपटॉप के अंदर जो ओएस है वो फॉर्मेट कर देना। क्यों मैं बता रहा हूँ, देखो दोस्तों, ऐसे बहुत सारे होता है कि आपको इस थर्ड पार्टी वेबसाइट पर हो या बहुत सारे मेलवेयर या वायरस वगैरह जो भी है क्या करता है आपके लैपटॉप के अंदर अटैक कर चुका होगा, हो सकता है बहुत सारे ड्राइवर को क्या कर चुका कैश कर चुका होगा, हो सकता है लैपटॉप के अंदर कोई अच्छे तरीके से टोटल सिक्योरिटी नहीं है, तो डाइन की बाद आपके लैपटॉप को फॉर्मेट कर लेना। और फॉर्मेट करने के बाद देखना, हो सकता है बहुत सारे जो प्रॉब्लम है, सिर्फ पार्टिकुलर ये प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारे प्रॉब्लम है, हो सकता है फॉर्मेट करने के बाद जैसे नया लैपटॉप खरीद के लेके आते हो उसी की तरह हो जाएगा। और मैं आप लोग को 100% शेयर बता सकते हो, अगर आपके पे हार्डवेयर प्रॉब्लम नहीं है, कोई सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है, तो आपकी जो लैपटॉप की जो साउंड प्रॉब्लम है, लैपटॉप की जो कीबोर्ड प्रॉब्लम है, वो 100% सॉल्व हो जाएगा। और अगर आप देखते हो, चौथा जो टिप्स बताऊंगा, अगर आप देखते हो कि आपके यहाँ पे फॉर्मेट करने के बाद भी आपके यहाँ पे जो कीबोर्ड नहीं काम कर रहा है, तो मेरे ख्याल से और कुछ भी नहीं है, ये हार्डवेयर प्रॉब्लम है। हो सकता है तो आप खुद एक्सपर्ट हो, तो आप खुद की लैपटॉप की कीबोर्ड को खोल के ओपन करके देख सकते हो, या नहीं तो आप पास जो शॉप है, मैकेनिक है, वहाँ पे जाके भी लैपटॉप के कीबोर्ड की जो मैकेनिक या प्रॉब्लम की सॉल्व करके देखना, आपकी लैपटॉप की जो कीबोर्ड की प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों, कुल मिला के यही सारा टिप्स है, एक करके देखना, मैंने जो दो बताया हूँ और उसके बाद जो दो बताया हूँ वो करके देखना, 100% मैं लोगों को गारंटी देकर बता सकता हूँ आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। फिलहाल मैं इसको बैक कर देता हूँ। तो दोस्तों, आई होप कि आपकी जरूरत पर मालूम हो चुका कैसे हम लोग घर बैठे हम लोग की लैपटॉप या कंप्यूटर से रिलेटेड जो कीबोर्ड से रिलेटेड बहुत सारे जो प्रॉब्लम आता है उसको हम लोग कैसे घर बैठे सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से वीडियो अच्छा लगा, तो वीडियो अच्छा लगा तो फिर वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और दोस्तों ऐसे हेल्पफुल एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के दोस्तों प्लीज फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं दूसरे ऐसे हेल्पफुल एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए घर बैठे घर रहना, स्टे ट्यून। जय हिंद, जय भारत।